एंड तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे, क्योंकि आप सब बहुत ही प्यारे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के दिन कुछ खास करते हैं। सो गाइस, अभी मॉर्निंग के 9:30 हो चुके हैं, तो अभी मिला था मैं आपको अपनी मम्मी जी से। हेलो मम्मी, कैसे हो? ठीक है। हेलो, और तो ठीक है आपका? अच्छा, चलो बढ़िया, तबियत ठीक ही रहनी चाहिए। और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी तबियत का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आजकल बारिश वगैरह बहुत चल रही है और जुकाम खांसी तो नॉर्मल ही है। बस फाइनली अपना नाश्ता रेडी है और नाश्ते में आज है आलू की सब्जी, चाय और रोटी। तो अगर आप लोग भी आ सकते हो तो आपके लिए भी इन्वाइट है। सॉरी बस फाइनली अभी मेरा नाश्ता वगैरह कम्प्लीट हो चुका है, अभी अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ये ब्लॉग इस बात है देहरादून से और अभी मैं हूँ आरागढ़ चौक पे। तो आपको यहाँ से लोकेशन वगैरह चेक कराना चाहिए, हमारा सामने पे आरागढ़ चौक जो कि कुछ ऐसा दिखता है और यहीं से हम प्रिंस चौक वगैरह भी जा सकते हैं। और ये ऊपर से सर्वे चौक के लिए जो रोड जा रही है आपको नीचे की साइड दिख रही होगी, तो ये जाती है हमारे यहाँ से सीधे रिस्पना के लिए। मुझे जिस लोकेशन पर आना था मैं फाइनली वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और ये रहा मेरे पीछे जूडियो मॉल। तो ये देख सकते हैं, और इस मॉल की लोकेशन मेन आरागढ़ चौक पर है, जैसा आप यहाँ से देख सकते हो। मॉल देखने के बाद ये बहुत ही लग्जरी लग रहा है और उम्मीद है कि अंदर भी काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हमें। तो चले मॉल के अंदर चलते हैं और मॉल को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। मेन गेट तो हमें यहीं से होते हुए अंदर जाना है। सो अभी ये अपना ओपन हो चुका है और अंदर आने के बाद हमें कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। अभी मैं मॉल के अंदर एंटर हो चुका हूँ और जैसे मॉल बाहर से दिखाई देता है तो अंदर से उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मॉल में अभी काफ़ी अच्छा नया नया स्टॉक आ रखा है, तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो आजकल सच में यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेल हुई है, तो देख सकते हो यहाँ पे 299, 499 और ये वाले जो है इन पर 199 लिखा हुआ है। सो जो लोग भी आसपास लेने वाले हैं सो एक बार मॉल में विजिट ज़रूर करें, बाकी आपको मैं मॉल का पूरा टूर करवा देता हूँ एक बार। सो जैसे भी होगा आप फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। हमारा मेन गेट और उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं 5 सेक्शन। सो ये हमारा एथनिक वेयर हो गया और ये हो गया हमारा वेस्टर्न वेयर और ब्यूटी। उसके बाद आता हमारा लॉन्ड्री का वो बैक साइड रह गया और इसके बाद आता है हमारा फुटवेयर। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे आपको एक बार टूर करा लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले एथनिक वेयर से। तो एथनिक वेयर में यहाँ पे ये 3 हॉटस्पॉट लगे हुए हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनके देख के ही पता चल रहा है कि आजकल मॉल में बहुत अच्छी सेल लगी है। और यहाँ पे देख सकते हो आप रेड कलर में 199 का साइनेज भी लगा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हो। और सेम ही कुछ हमें ऐसा यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये जो कुर्ती है यहाँ पे, तो इसका देखते हैं हम, तो इसके अंदर प्राइस टैग हुआ तो ये हमारा 399 का और सेल में मिलेगा हमें ये 199 का। तो समझ सकते हो आप, मतलब काफ़ी अच्छी सेल है। और बाकी चलते हैं अभी अंदर, तो पहले एक बार मैं आपको स्टॉक वगैरह चेक कर लेता हूँ। सो अभी अब सारा का सारा पूरा जितना भी है अभी सारा का सारा न्यू स्टॉक लगा हुआ है, तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें सेल वाले जो भी आर्टिकल हैं वो सब के सब आपको यहाँ फ्रंट में देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो नॉन सेल वाले हैं सो वो आपको सब यहाँ बैक साइड में देखने को मिलेंगे। सो ये हमारी टेबल है, वैसे तो इसमें स्टॉक बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी स्टॉक ख़त्म हो चुका है। हमारी रही कुर्तियाँ वगैरह और इनके साथ ये हमारी पजामे वगैरह हो गए, लेगीज़ वगैरह हैं, तो ये यहाँ पर रख रखी होती है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा एथनिक वेयर। वहाँ पे ये ब्राउज़र लगे हुए हैं, तो इनमें देख सकते हो आप जो ये कनेक्शन है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेल में कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो उनको मैं पहले ही बताना चाहूँगा। सो सेल वाले आर्टिकल में आपको ये रेड कलर के साइनेजेस मिल जाएंगे और इनके जो स्टिकरिंग होते हैं उस पर एक रेड कलर का अलग से मार्किंग की जाती है। सो जैसे मैं आपको यहाँ पर चेक कराना चाहूँगा, सो ये देखो यहाँ पर लिखा है 799 और ये 499। तो पहले तो आपको साइनेज देखना है और उसके बाद स्टिकर पे ये देखना है कि इस पर रेड कलर का एक और छोटा सा स्टिकर होगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये सेल वाले आर्टिकल हैं। और जो ये वाले आर्टिकल हैं तो ये हमारे आर्टिकल सेल में नहीं आते हैं, तो इनका इजी है कि यहाँ पे ये साइनेज देख लो, इनके ब्लैक कलर के होंगे और इन पर ऐसा कुछ भी मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। सो ये हो गया हमारे नॉन सेल वाले आर्टिकल। बाकी यहाँ पे लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह ये कुछ इस तरह से हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्टॉक है इस टाइम पर भरा हुआ। और ये हमारा नाइट वेयर का सेक्शन, तो इसमें हमारे जो नाइट वेयर में पहनने वाले कपड़े हैं तो ये जाते हैं। तो इसमें ये हमारे पूरे कॉम्बो में आते हैं, इसमें ये ऊपर का शर्ट और ये नीचे का पजामा ये पूरा सेट के साथ मिलता है ऑप्शन। और उसके बाद आता है यहाँ पे सामने पे लॉन्ड्री का, तो लॉन्ड्री का तो आपको पता ही है सो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ से सीधे डीओ वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्यारे से डीओ वगैरह रख रखे हैं, प्यारे प्यारे परफ्यूम वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और जो भी आपको फिर पसंद आए तो उसके हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हो।
और इसे थोड़ा सा आगे जाने पे ये अपना ब्यूटी सेक्शन, तो ब्यूटी सेक्शन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे मतलब जो भी है लिपस्टिक वगैरह हो गया, नेल कलर हो गया, और ये पता नहीं लेडीज़ के सामान, इतना तो मुझे भी कन्फर्म पता नहीं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्यूटी सेक्शन में। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप क्या कहिए मस्करा यार, इसका तो मुझे भी नहीं पता ये क्या सीन है इसका, लेकिन जो भी होगा कुछ काम की चीज़ें ही होंगी। बाकी ये छोटे छोटे बैग्स वगैरह हैं, हैंड बैग वगैरह हुए, और इनसे थोड़ा बड़े वाले यहाँ पे हुए। बाकी ये हमारे यहाँ पे बिलिंग काउंटर और ये हमारी नीतू मैम, तो यहाँ पे बिलिंग कुछ ऐसे होती है। ये कुछ बिन्स रखे हुए हैं हमारे काउंटर के पास, तो इनमें भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सामान देखने को मिलेंगे। ये हमारा फुटवेयर सेक्शन, ये आजकल बहुत ही अच्छी सेल लगी है। सो सेल के आर्टिकल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया रखा था, सो सेल के आर्टिकल में ऐसे ही रेड कलर के सैनिजेस लगे होंगे स्टिकर हैं, तो इनमें भी देख सकते हैं यहाँ पे 299 है और यहाँ पे लिख रखा है 149, तो ये सब आपको 149 में देखने को मिलेगा और आप यहाँ से आसानी से इनको बाय कर सकते हो। और ये सेल वाले आर्टिकल हैं और ये है फ्रेश आर्टिकल, तो इनमें अभी कोई भी सेल नहीं है। सो यहाँ तो मैंने आपको चेक करा लिया, एथनिक वेयर हो गया, ये हमारा परफ्यूम का वेयर हो गया, ब्यूटी का हो गया और फुटवेयर का हो गया, ये मैंने आपको चेक करा लिया। सो आप चलते हम अपने सुबह फाइनली ये अपना वेस्टर्न वेयर, ये टेबल यहाँ पे टी शर्ट रहती है और कुछ ये शर्ट वगैरह यहाँ पे, यहाँ पे कुछ जीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे और सेम इसके बैक साइड वही है। और ये हमारे यहाँ पे ट्रायल रूम है और ये हमारा फिर है वेस्टर्न वेयर, तो इसमें हमारी जीन्स वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह आती है। सो एक बार इसका भी प्राइस हम चेक कर लेते हैं, तो इसका प्राइस है 699 और ये आपको पड़ेगा 399 का, तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा डिस्काउंट है इनमें। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे पूरा लेडी सेक्शन है और बाकी यहाँ पे किड्स वेयर और मेंस वेयर ही हमारे ऊपर के फ्लोर में है। तो अभी हम यहाँ से लिफ्ट से जाएंगे, सो लिफ्ट अभी हमारे लिए मतलब है, तो अभी थोड़ा लिफ्ट का वेट करते हैं। और सो बाकी अभी यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा बहुत नर्वस फील हो रहा है, इसलिए मैंने ब्लैक वाले जैसे पहन रखे हैं। सो बाकी आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। और फाइनली अभी लिफ्ट ओपन हो चुके हैं और इसको फर्स्ट वाले बटन को फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ से मैं आपको एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ। तो गाइस ये अपना फर्स्ट फ्लोर और ये है यहाँ पे हमारा मेंस वेयर, तो यहाँ पे मेंस के लिए सारा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप ये प्यारी सी तो कहते हैं हॉट स्पॉट में भी सेल लगी हुई है, जैसे 299, तो ये शर्ट है हमारी, ये 299 में मिलेंगी। और बाकी देख सकते हो आप इनमें भी सेम वही सीन है नीचे वाला। सो चलिए अभी घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन है। अभी मैं आ चुका हूँ मेंस वेयर में और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो ये रहे यहाँ पे एक जीन्स, तो इसका प्राइस देख सकते हो आप 999 लिखा हुआ और ये मिलेगा हमें सेल में 499 का। जो लोग भी शॉपिंग करना चाहेंगे तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है। और ये अभी टेबल पर भी शर्ट वगैरह है और ये तो पूरा हो गया हमारा मेन्स फ्लोर। और अब यहाँ सामने आता है हमारा किड्स वेयर, तो बच्चों का सारा कपड़े इसी साइड मिलेंगे आपको कि जो ये रेड कलर के हैं ये सेल वाले आर्टिकल हैं और जो ये ब्लैक में ऑन प्राइस पे ही है, तो ये हमें इतने के ही मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो तो ये बॉयज़ के हैं और इसमें 9 महीने और 5 साल के बच्चों के लिए जो भी कपड़े हैं ये हमारे इस वाले R4 पे मिलेंगे। और ये वाले ऐसे ही इन पर सब पर लिखा हुआ, जैसे कि ये रहा हमारे यहाँ पे ट्रायल रूम, तो एक बार यहाँ पे भी राउंड मार लेते हैं कि ये यहाँ के ट्रायल रूम्स, तो ये कुछ ऐसे होते हैं। सो एक बार आपको मैं एक रूम में जाके दिखाता हूँ। सो ये रहे यहाँ पे मेंस के ट्रायल रूम, तो देख सकते हो आप मतलब कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ से जैसे हमने दरवाज़ा बंद करा तो इसके बाद देख सकते हो आप मतलब कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम कपड़े मतलब पहन के आराम से इनको चेक भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आपको यहाँ पे 5-6 रूम देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे एक कस्टमर इजीली अपने जो भी प्रोडक्ट हैं इनको आप आराम से ट्राई करके सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से आप पे फिट आ रहे हैं। ठीक है भैया, मिलता है फिर, बाय बाय। ये इनरवेयर का सामान हमारा इस वाले ब्राउज़र पे लगा हुआ या फिर R4 कह सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा फुटवेयर का, तो फुटवेयर का सेक्शन हमारा ये रहा यहाँ पे। तो फुटवेयर सेक्शन में देख सकते हो आप यहाँ पे जूते चप्पल जो भी है इधर ही देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे मेंस के लिए कुछ परफ्यूम वगैरह रखे हुए हैं और इनमें लिखा हुआ है ट्राईमी, तो जो ये फ्रंट के रहते हैं ट्राईमी वाले, तो ये हमें ट्राई करने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो, तो इनका हम ट्राई कर सकते हैं, तो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। और बाकी जो पीछे वाले रहते हैं तो ये रहते हैं हमारे फ्रेश वाले, तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हमें सीधे मतलब इसको ट्राई करके इसको सीधा हमें बाय करना होता है। ये रहा हमारा ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का बिलिंग काउंटर, तो हमारे मतलब जितने भी एक्सचेंज के आइटम रहते हैं तो एक्सचेंज वगैरह सारा हमारा ऊपर होता है, फर्स्ट फ्लोर पर होता है, और बाकी नॉर्मल बिलिंग हमारी नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही की जाती है। बस फाइनली हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है तो वहाँ पर हमारे 3 सेक्शन है, तो मेन सेक्शन हो गया और किड सेक्शन हो गया और एक हो गया हमारा फुटवेयर का सेक्शन।
एग्जैक्टली अपने मॉल से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर है जितना भी ब्लॉग शूट कर रहा था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो अब चल रहा मैं यहाँ से अपने रूम के लिए। सो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।